let's see about the next questions from the modern essays. इससे पहले वाले सेशन में मैं चार मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बाजार कर चुका हूँ मॉडर्न एसे की बीए इंग्लिश पार्ट से. मॉडर्न एसे क्वेश्चन थी, चार सवाल मैं इसकी बाजार कर चुका हूँ. अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्टर स्केच ऑफ माय टेलर की आपने करना है. ये मॉडल करेक्टर का आ जाए फिर भी आपने करेक्टर ही लिखना है उसका. और इसका सेकेंडरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉरल मैसेज लेसन या लास्ट कोटेशन अगर टेक्स्ट की लाइन आ जाती है तो आप उसमें भी मॉरल मैसेज लेसन वाला क्वेश्चन ही आप उसमें लिखेंगे. माय टेलर के दो सवाल हैं लेकिन एक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसको मैंने रेड किया है और दूसरा जो है आपने अगर आपको आता है मॉरल मैसेज लेसन या पेपर में लास्ट कोटेशन लाइन आ जाती है तो आपने उसको भी साथ रेडी कर लेना. उसके बाद सेवन क्वेश्चन है सीन ऑफ डिस्ट्रक्शन एट नागासाकी एट द टाइम ऑफ एटॉमिक बम ब्लास्ट बाय अमेरिका और 9 अगस्त 1945. ये एक सवाल है सेकेंडरी सवाल. इसका जो है सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल इसका ये बनेगा मॉरल या मैसेज का कि ये तबाही का सीन बयान करने का मकसद क्या. इसके बाद आपने ग्रैंडफादर का करेक्टर करना है. ये तीन चैप्टर ऐसे हैं जिसमें माई टेलर का करेक्टर और माई ग्रैंडफादर का करेक्टर. हाँ जी, ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो करेक्टर के हवाले से इम्पॉर्टेंट है. माई ग्रैंडफादर का करेक्टर भी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है. ऑटोबायोग्राफी के ऊपर भी आ रहे हैं फिर भी आपने ऊपर से ऑटोबायोग्राफी को डिफाइन करके नीचे वो किससे लिख देने हैं जिनका ताल्लुक ग्रैंडफादर के करेक्टर के साथ भी. बहुत सी बातें आप वहाँ से भी लिखेंगे. करैक्टर आपने ओवरऑल रेडी करना है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सवाल आपने करैक्टर रेडी कर लो. ऑटोबायोग्राफी की डेफिनेशन रेडी कर लें. वो चार वाक्यात लिखते हैं ग्रामर में बड़े आसान करके लिखे हुए हैं. माई ग्रैंड फादर इज एन ऑटोबायोग्राफी डिस्कस ये सवाल. करैक्टर स्केच ऑफ माई ग्रैंड फादर ये दूसरा सवाल. आपने ग्रैंड फादर का करैक्टर पहले रेडी करना है और सेकेंड नंबर पर जाके आपने ऑटोबायोग्राफी का रेडी कर लेना. उसके बाद जो आर डॉक्टर मैन ऑफ साइंस चैप्टर है वहाँ से आपने डिफरेंस बिटवीन क्विक एंड क्वालिफाइड डॉक्टर ये आपने करना है. और एक तरफ सवाल है उसका कि डॉक्टर्स की एग्जाम बयान करें तो डॉक्टर की चार एग्जाम वहाँ पे लिखी हुई हैं क्वालिफाइड डॉक्टर क्विक डॉक्टर ये दो उसकी एग्जाम और नंबर थर्ड पे जाके हर्बलिस्ट है नंबर फोर पे जाके बोन सेटलर हैं. ये चार किस्में डील की गई हैं इस चैप्टर में इसका मॉडर्न एसे के अंदर. तो आपने डॉक्टर्स की टाइप्स को रेडी करना है और क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड डॉक्टर का फ़र्क वाजे करना है कि जो क्वालिफाइड डॉक्टर है वो सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट पे साइन कर सकता है जबकि अनक्वालिफाइड डॉक्टर जो है उसके पास ये अथॉरिटी नहीं है बाकी पैसे बटोरना और बंदों को मारना ये दोनों का इक्वल काम है. तो बड़ा तंजिया तरीके से बर्नार्ड शाह ने आर डॉक्टर मैन ऑफ साइंस के अंदर उसने डॉक्टर के शोभा को इस डिपार्टमेंट के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया है और चार किस्म के डॉक्टरों को एक्सपोज भी किया है. तो चार किस्म के टाइप्स ऑफ डॉक्टर काइंड्स ऑफ डॉक्टर ये सवाल भी और डिफरेंस बिटवीन क्विक डॉक्टर एंड क्वालिफाइड डॉक्टर ये दूसरा सवाल. आपने ये दो सवाल आपने इसके रेडी करने हैं. दोनों को मैं बोल्ड भी कर रहा हूँ इनको रेड भी कर रहा हूँ. तो ये दोनों सवाल आपने इक्वली इंपॉर्टेंट है दोनों को आपने प्रिपेयर करना है. और नंबर 10 पे जाके ब्यूटी इंडस्ट्री में से औरतों की फैशन मेकअप के ऊपर क्रिटिसाइज किया गया है आपने एक ही सवाल ये रेडी कर लेना है. ब्यूटी इंडस्ट्री बाय हक्सले डील्स द ओवर यूज ऑफ मेकअप एंड कॉस्मेटिक्स ऑफ द लेडीज इरोनिकली तंजिया तरीके से औरतों के फैशन मेकअप कॉस्मेटिक के इस्तेमाल के ऊपर ये लिखा गया है मॉडर्न एसे. तो आपने ये वाला सवाल आपने इसका रेडी कर लेना है. ओवरऑल ऑल इन वन सवाल है मैंने नोट्स पे एक ही लिखा हुआ है इसमें हर पहलू को मैंने डिस्कस किया हुआ है. जो भी सवाल आएगा आपने उसमें ये वाला लिख देना है. और अगर आपको सेपरेट ये सवाल नंबर 11 आता है How does Huxley correlate the beauty of a China jar with that of the beauty of a painted woman? Well and good, आप उसको भी इसमें लिख देंगे. और चंद इम्पॉर्टेंट सवाल नीचे फर्दर लिखे हुए हैं. गॉसिपिंग के फायदे क्या है नंबर 13 वाला ये आपने कर लेना है. फॉलिबिलिटी के फायदे क्या हैं ये सवाल भी आपने टू एरिस द ह्यूमन के अंदर कर लेना है. ये यहाँ पे मैंने लिखा कि किसी औरत दास से मैन हैज लर्न प्रोग्रेस फ्रॉम फॉलिबिलिटी
ये इंसान, ये फॉलिबिलिटी का फायदा है। फॉलिबिलिटी कहते हैं गलतियां करना, और गॉसपिंग कहते हैं गपशप लगाना। 13 और 12 जो क्वेश्चन है, ये गपशप के फायदे और गलतियों के फायदे, ये दो सवाल भी इम्पोर्टेंट है। फिर सुपर वर्ड का मिस यूज के ऊपर नंबर 14 पे, और फिर विटामिन जो है बीसी का और एईडी का, ये 5 विटामिन किन चीज़ों में पाए जाते हैं, इनकी कमी से क्या बीमारियां लग जाती हैं, और मतलब इस तरह का ये लास्ट वाला चैप्टर है। अगर आप ये क्वेश्चन रेडी कर लेते हैं 100% आप मॉडर्न एसे को इंशाल्लाह टैकल कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट में मैं आपको एडियम्स और ट्रांसलेशन और ऐसे राइटिंग के ऊपर कमिंग सेशन में वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा, तो उसको आप सुनेंगे लेटर ऑन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग, आपको फ़ायदा हो जाएगा। पेपर से पहले पहले इंशाल्लाह एक तरीके से आपको सारा भी मिल जाएगा।